क्वेश्चन है कि राम व मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में अंतर 1000 हो, राम और मोहन की आय में अंतर अगर 1000 हो, तो राम की आय क्या होगी, इनकम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8:3, ठीक है, तो जो राम और मोहन है उनकी आय क्या है, रेशियो क्या दे रखा है, 8:3, और रुपीज़ में दे रखा है 1000, ये अनुपात है और ये रुपए हैं उनके, 1000 का अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये 8:3 किसके बराबर, 1000 के बराबर। ठीक है, बताना क्या है कि राम की आय, तो हमने क्या किया, माना राम की आय क्या है, 8x है। ठीक है, 8:3 दिया है, 3 दिया हुआ है, तो 8x हो जाएगा। तब मोहन की आय क्या हो जाएगी, 3x। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि राम और मोहन की आय में जो अंतर है वो 1000 का है। ठीक, तो 8-3 जो है, 8x-3x बराबर है किसके, 1000 के। तो 8x में से 3x को माइनस करेंगे तो बचेगा 5x, वो किसके बराबर है, 1000 के। तो x बराबर क्या निकलेगा, 1000/5 कर देंगे तो 200 रुपये इसकी वैल्यू निकल आएगी, ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब पूछा है कि राम की आय क्या होगी, तो राम की आय का हमने क्या माना था, 8x। ठीक है, तब राम की आय क्या है, 8x। ठीक है, तो 8 को हम लोग 200 में इसको गुणा करेंगे तो 1600 रुपये इसकी आय निकल के आ जाएगी। तो ये जो है बी ऑप्शन जो है 1600 वाला, ये सही हो जाएगा।